मुशाहिदा ट्रेवल स्टेशन एफपीएस के चैनल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अर्जी समावी और फासिल महफूज रखे। हमारा जीना मरना ईमान पर करे। हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत और हमारे पुरसात के सफ़र को हमारे लिए आसान बनाए। आमीन सुब आमीन। व्यूअर्स, ये दुआ आपके लिए, तमाम मुसलमान के लिए और मेरे लिए भी है, ठीक है? आप आमीन ज़रूर कहिए। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ नेशनल पार्क दियोसाई में। तो दियोसाई चलते हैं अभी, और जो कुछ रास्ते में आएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अभी हम ना गुजर रहे हैं स्कर्दू के मेन बाज़ार से। तो आप अगर रास्ते का लुत्फ लेना चाहते हैं तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं जा रही हूँ श्योसर लेक पे जा रही हूँ, और रास्ते में आपको बड़ा पानी, काला पानी भी दिखाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, ये सामने आप देख रहे हैं, इस चौरंगी को कहते हैं परेशान चौक। और यहाँ पर जो इन्होंने बना के एक मोनोग्राम सा लगाया हुआ, ये सतपारा की तस्वीर है, उसका ये बना के लगाई हुई है। तो हम जिस झील के ऊपर से गुजरेंगे, उसी झील के ऊपर एक पहाड़ पर तकरीबन उनका घर भी है, और उस सतपारा झील के पास हम वहीं से गुजरेंगे, लेकिन उनका घर पहाड़ पर है। तो व्यूअर्स, अभी हम तकरीबन स्कर्दू से निकल आए हैं। तो व्यूअर्स, मैं जिस होटल में ठहरी हुई हूँ, उस होटल का नाम है इंडस होटल, ठीक है? ये कॉलेज रोड पर वाक़ है, और इसकी मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊँगी। आप जब भी कभी यहाँ आए तो आप इस होटल में ठहरे। इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, और कम कहेंगे तो कम भी कर देंगे। ये बहुत ही इखलाक वाले लोग हैं। और मैं 3 साल बाद जब यहाँ आई, 2018 में आई थी, और जब मैं अभी गई हूँ 2021 में, तो उन लोगों ने मुझे देखते ही पहचान लिया। कहीं भी जाना है आपको, बाइक मार्ग लोग हैं, बाइक मार्ग और एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ आपको गाड़ी देंगे जहाँ भी आपने जाना हो। आपको साथ में दिखाती हूँ होटल भी, और होटल के जो मालिक है फिदा साहब, उनका भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खराब वाले, बहुत मिलनसार लोग हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, कभी भी स्कर्दू आना हो तो आप इस होटल में आके ठहरिएगा। तो व्यूअर्स, मैं ठहरी हुई हूँ इंडस होटल में। ये इसका बाहर से व्यू आप देखें, और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ और अपना रूम भी दिखाती हूँ। ये है इसका हॉल, जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, और ये इसकी रिसेप्शन है, और ये भी थोड़ी सी साइड आप देख लें। तो ये ऑनर है हमारे इस होटल के, बहुत नाइस मैन है। और इनका इस होटल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है, और इनके जितने भी मुलाजम हैं बेहद बाइखलाक है। मैं 3 साल बाद आई थी, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, और इनके इतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं है, ठीक है? आइए आपको आगे नीचे वाले क्वेश्चन का दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप ये रूम देख सकते हैं, दिखाइए रूम इनको। ये रूम है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, 2 बेड के हैं, कोई 3 बेड के हैं। नीचे से भी दिखा दो सारा कुछ, ठीक है? अभी बस देखें, व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये जाली के दरवाजे हैं, ठीक है? मैं इसको हटाऊंगी ताकि मच्छर ना आए। इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ, ये बिल्कुल होटल की तरह होटल है, ये घर की तरह नहीं बनाया गया। आइए ये देखें व्यूअर्स, ये बाहर का लुक है। आप देख सकते हैं इसकी साइड में ग्रीनरी, और ये चेयर रखी हुई है, जयमाल भी रखा हुआ है, ये चेयर रखी हुई है, ये जायमाल भी रखा हुआ है। यहाँ पे लोग अपने रूम से आकर यहाँ पे शाम को इंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यू। आइए अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर है, सब लोग घूमने के लिए जा चुके हैं। इसका ये वही, ये सेकंड फ्लोर का, यहाँ से आप लुक देखिए, ये चेयर्स दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ। ये जी इंडस होटल के, यहाँ हम गाड़ियाँ जो है ये हमें देते हैं जहाँ भी जाना हो मुनासिब रेट पे। ये ड्राइवर हैं, बड़े मंजे हुए ड्राइवर हैं, बड़े मुश्ताक हैं। तो हम इन्हीं के साथ श्योसर लेक तक गए थे, जोसाई, और
और व्यूअर्स आप जब भी कभी आएँ तो आप इनकी शक्ल आप देखें, पहचानें इनके चेहरे को, बहुत ही नाइस मैन है। आप जब भी आएँ यहाँ पे ठहरें, आपको माकूल रेट पे इस होटल में जो है सारी सहूलतें मिलेंगी। गर्म पानी भी है, आपको कन्वेंस भी मिलेगी जहाँ आपने जाना हो। तो अभी मैं आपके अमले से भी इनकी मुलाकात करती हूँ। ये जी इनके अमले के अफराद हैं, आप इनकी शक्लें भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैं आप इनके होटल का फ़ोन नंबर भी साथ दे दूंगी, आप इनसे आने से पहले रابطہ कर सकते हैं तो आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। ये होटल जो है व्यूअर्स, ये होटल जो है ये बिल्कुल देखें बाज़ार के अंदर है। सामने आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी, शॉप्स। आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, बाज़ार जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। इनका नाम है जी शेर अली। इनका नाम शेर अली है, ये हर वक्त आपको यहीं मौजूद मिलेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान है। व्यूअर्स मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे हसन सत, ये जो परेशान चौक था जो पीछे गुजर गया, ये हसन सतपारा जो जिन्होंने सबसे पहले केटू को सर किया था उनका वो मोनोग्राम सा बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद अली सतपारा का इंतकाल हुआ, आपने देखा। अभी उनके बेटे हैं जो साजिद सतपारा हैं, वो भी अपने वालद साहब का मिशन लेके बड़े हौसले और उमंगों के साथ, जोश और वलवले के साथ उन्होंने कहा है कि मैं अपने वालद साहब के जो है मिशन था उसको जारी रखूँगा। तो व्यूअर्स मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ रहिएगा। इस चढ़ाई के नीचे आप देख सकते हैं गांव है, यहाँ पर तीन चार छोटे छोटे गांव हैं, जिसमें एक गांव था मोहम्मद अली सतपारा का, ठीक है, जो इंतकाल कर चुके हैं, ठीक है, अपनी सर करते हुए, चोटी के सर करते हुए। यानी कि छोटे छोटे गांव मिला के जितने भी हैं सारे साथ साथ ही हैं, तो मतलब वो सब यहीं के रहने वाले थे, हसन सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा, मोहम्मद अली के बेटे साजिद सतपारा, वो भी इसी गांव में रहते हैं। जो रास्ता है ना, नीचे खाई है, उसमें नाला चल रहा है और साइड पे पहाड़ है और मेरे राइट साइड पे भी पहाड़ है। ये जो कुदरती दरख्त आपको सरू टाइप के नज़र आ रहे हैं ना, ये जितनी भी सर्दी हो ये खुश्क नहीं होते, लेकिन जो खुद जिनकी काश्त की जाती है जिन दरख्तों की, वो खुशक हो जाते हैं। देखिए वो पहाड़ पर आपको नज़र आ रहे हैं सारे जो जितने भी पौधे वगैरह हैं येलो कलर के हो गए हैं, ये सूख जाएंगे जैसे ही फिर मौसम बाहर जो अप्रैल का महीना आएगा, ये फिर से वापस इसी तरह हरे भरे हो जाएंगे। ये मेरे अल्लाह की शान है व्यूअर्स। व्यूअर्स ये रास्ता दियोसाई को जाने के लिए इब्तदाई रास्ता है, जिसमें आपको बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। जब हम सही मानों में दियोसाई नेशनल पार्क पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको मैदान की शक्ल में दियोसाई नज़र आएगा। ये कुदरत की तरफ से लगे हुए हैं ना ये सरू, हाँ ये कुदरती हैं, ये सर्दी में खुश्क नहीं होंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना सरू से, ये सर्दियों में नहीं सूखेंगे। वो देखिए पहाड़ पर व्यूअर्स, जितने पौधे थे सारे येलो हो चुके हैं। व्यूअर्स अभी नाला मेरे इस उल्टे हाथ पर है, अभी हम एक दूसरे पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी गाड़ी पर सफ़र ना करें, यहाँ से ड्राइवर और जीप हासिल करें वो आपके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा है ये मेरा आपसे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, देखिए व्यूअर रोड सामने, यहाँ से वो पहाड़ के पास से तीन दूर जाती है।
ही डर जाता है। अव्वल तो वो बाय रोड सफ़र ही नहीं करता, अस्करदू आने के लिए बाय रोड सफ़र ही नहीं करता, वो कोशिश करता है कि मैं बाहर आ जाऊँ। ऐसा ही है ना उस्ताद जी? आप जितना भी सफ़र करेंगे यहाँ पे आप बहादुर होते जाएंगे। ये जो सही मैदान तक जाने के लिए ये जो आपको मैं रास्ता दिखा रही हूँ ये रास्ता है। फिर हम ये सारा सफ़र तय करने के बाद ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दियोसाई मैदान तक जाने में तक ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये आपको इतने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये सरू के जो दरख्त हैं ये आपको ये पौधे छोटी छोटी घास नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो सूख चुकी है, अभी से सूख चुकी है। आज 20 तारीख है, 21 सितंबर है 2021 है और दियोसाई खासा ठंडा है। ये जो दियोसाई है हम कल गए थे वो था 9000 चुंदा गए थे, 9160 की बुलंदी पर था। और ये जो है दियोसाई है ये 14000 के करीब ये इसकी बुलंदी है दियोसाई नेशनल पार्क जो है इसकी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है दियोसाई के मैदान में और सर्दी भी ज़्यादा है। देखिए व्यूअर्स कैसे असली पहाड़ लग रहे हैं येलो येलो पौधों के साथ। ये फीमेल है या मेल है? ये मर्द है या औरत है? मर्द है। ये मर्द है जी। ये जो ये आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? यक ये जो जो हमारे जबान में जो कहते हैं और उर्दू जबान में बैल बैल कहते हैं। ठीक ठीक बहुत अच्छा। ये मेरी तरफ से रास्ते में खाना व्यूअर्स जब हम दियोसाई पहुंचेंगे तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पहाड़ों का पहाड़ी सिलसिला बहुत दूर हो जाएगा और हम एक मैदान में पहुंचेंगे, उसे कहते हैं दियोसाई नेशनल पार्क। मेरे साथ रहिएगा अगर आपने देखना है और इन हसी रास्तों को, कुदरत के इन शाहकार पहाड़ों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं हमारे आगे आगे भी एक जीप जा रही है। आज मौसम भी खासा ख़राब है, आसमान पर बादल भी हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाए। 14000 फुट की बुलंदी पर है और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। व्यूअर्स ये जो आपको वाइट वाइट सी दीवार नज़र आ रही है ना, वो वाइट वाइट सांप की तरह जैसे मछली नज़र आ रही है वाइट पानी के साथ आगे ऊपर, ये असल में बर्फ़ है। ये बर्फ़ जमी हुई है, ये पिघली नहीं है अभी तक। अभी इसके ऊपर और बर्फ़ जम जाएगी, अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। ये देखें पहाड़ के ऊपर पौधों ने रंग बदला और वो आपको सुर्ख हिमाइल भी नज़र आ रहे हैं। आपको इन पहाड़ों पर सुर्ख हिमाइल और ब्राउन कलर के और येलो कलर के पौधे नज़र आना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम दियोसाई के करीब जाएंगे। और अभी हमें थोड़ी ठंडक महसूस होना शुरू हो गई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है।
व्यूअर्स देख लें ये रास्ता, ये रास्ता जाता है अस्करदू से दियोसाई की तरफ और हम जा रहे हैं दियोसाई। खतरनाक रास्ता है, ये है दियोसाई जाते हुए सबसे ऊंची टॉप, जिसको बोलते हैं ना टॉप, ये है टॉप, अल मलिक टॉप ना, हाँ जी, ये अल मलिक टॉप, ये है जी चढ़ाई, सबसे ऊंची चढ़ाई अस्करदू से आते हुए दियोसाई को जाते हुए। ये सामने देखें बारीक बारीक पहाड़ के साथ साथ ये रोड है, आपको दिखाई दे रही होगी। व्यूअर्स हमने ना चिप्स के पैकेट लिए थे कि रास्ते में खा लेंगे, जो कुछ और भी चीज़ें थी बेकरी की, तो जो हमारे हैंड बैग में जो चिप्स के पैकेट हैं ना वो फटने शुरू हो गए हैं, यानी कि उनकी ऑक्सीजन जो उसके अंदर थी, हवा भरी हुई थी, वो ख़त्म हो रही है, पटाखे से बज रहे थे। हमें ड्राइवर ने बताया कि जी देखिए आप कि चिप्स के पैकेट फटना शुरू हो गए हैं। ये है वो अल मलिक की ऊंची चढ़ाई और अब हम इंशाल्लाह नीचे का सफ़र नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन कम होना शुरू हो, इस वक्त हम हैं जनाब याली एक 14,000 फुट की बुलंदी पर, मजदूर काम कर रहे हैं। ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है और पत्थर रोड के ऊपर आके गिर जाते हैं, तो उन पत्थरों को ये उठा के गाड़ी में भर के तो ये ले जाते हैं ताकि रोड साथ साथ साफ होती रहे और जो गाड़ियां हैं आराम से गुजर सकें। ये जी दियोसाई का मैदान शुरू हो गया है, मैं आपको शीशा नीचे करके दिखाती हूँ, धूप भी निकल आई है। ये जो आपको रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये तो गवर्नमेंट का है, और ये सामने एक होटल भी बना हुआ है, गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये शुरू का एरिया है। ठीक है, तो वो शतून कहाँ गया जी? अच्छा शतून थोड़ा आगे है, यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पर आकर जो विजिटर होते हैं उनको थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि जी हम दियोसाई पहुँच गए हैं। ये देखिए आपको ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। कौन है जो कहता है कि पागल है जो दियोसाई जाता है? व्यूअर आप इन पहाड़ों की शान देखें और आगे जाके इस मैदान की शान देखें, तो आपको कुदरत का एक और हसीन और खूबसूरत मंजर दिखाई देगा। जहाँ भी आप जाएं आपको कुदरत के एक से एक बढ़कर मनाजर दिखाई देंगे, तो क्यों ना हम जहाँ तक हमारी रिसाई है हम अपने रब की शान को देखने के लिए क्यों ना जाएं हम अपने रब की शान को देखने के लिए। उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती अता की है, हम अपनी जहाँ तक हो सकेगा हम अपने रब की शान को देखने के लिए जाएंगे। अगर आपने शान देखनी है अपने रब की तो आप बढ़ते जाएं, अगर आपके पास सेहत है ईमान है तो आप अपने रब की शान को देखने के लिए ज़रूर जाएं, ज़रूर तैयार रहें। देखें व्यूअर्स आप दियोसाई के इस मैदान को, किसका जी नहीं जाएगा कि इस मैदान को देखें? क्या ये सारे ही पागल हैं जो दियोसाई देखने के लिए जाते हैं? व्यूअर्स असल में बात ये है कि श्यूसर लेक जो है ना उसको देखने के लिए हमें ये दियोसाई का मैदान जो है
पार करना पड़ता है, अबूर करना पड़ता है और इसकी एक अपनी अलग सी शान है। अगर आप अस्करदू से आए तो आप सतपारा झील को देखते हुए इसी दियोसाई के मैदान से गुजरेंगे और फिर इस जहाँ से गुजर के आप आगे शिवसर झील पर जाएंगे। तो जो भी यहाँ से गुजर के जाता है, मेरा ख्याल है वो हाजिर दिमाग होता है, मेंटल तो नहीं होता, पागल भी नहीं होता। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी लोकल गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, फिर वो खासे परेशान होते हैं। यहाँ पर फोर व्हील का आना सबसे बेहतरीन बेहतर है। इस मैदान में हमें एक मारमोट नाम का एक जानवर भी कहते हैं नज़र आता है, वो चूहे से ज़रा बड़ा होता है ना, हाँ जी, तो वो घास खोर होता है, यानी वो घास खाता है, गोश्त नहीं खाता है। ये देखिए व्यूअर्स, आपको ग्लेशियर का पानी, तीन जो पहाड़, ये पहाड़ों के नीचे आप देख रहे हैं ना, सांप की तरह लाइनें सी बनी हुई है, ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है, यहाँ नाले से बने हुए हैं। देखें व्यूअर्स, अभी आपको पानी चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा मैदान में। ये देखें जी, भेड़ बकरियां भी जा रही हैं यहाँ। यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, ताज़ा दूध की, लेकिन बस इसी महीने में, इसके बाद नहीं। व्यूअर्स, ये पत्थर पर गाड़ी सीटा नहीं नज़र आ रहा, पत्थर तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, तुम करें ये सामने ना पत्थर के ऊपर वही बैठा हुआ है, क्या मरमोट ये बैठा हुआ सामने, येलो कलर का टांगे पे लाके, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ये बाहर निकलूंगी तो भाग जाएगा। व्यूअर्स ये देखिए मरमोट का सुराख बिल है इसका, ये मारमोट का जो बच्चा बैठा हुआ है ये देखिए, इसको कुछ डालेंगे तो भागा आएगा। व्यूअर्स, आपको कैसा लगा? अभी मैंने आपको मारमोट दिखाया है, ये गर्मी सर्दी यहाँ पर ही रहते हैं, इनके बड़े बड़े बिल हैं, बड़े गहरे ज़मीन के अंदर खोदते हैं, इनके पंजे बड़े तेज और नोकीले होते हैं, ये चूहे की शेप के होते हैं मगर बड़े बड़े होते हैं। आपने इसको बहुत करीब से देखा। व्यूअर्स, मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, थैंक यू। देखें जी, शौकीन लोग जो हैं
ये हमारे साथ साथ ही आ रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। ये फैमिली जो है अपनी पिक्चर्स बना रही हैं, ये हम और ये लोग आगे पीछे ही आ रहे हैं। जहाँ जी चाहता है गाड़ी रोक के फोटोग्राफी कर लेते हैं। खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, नाले का पानी बहता हुआ जा रहा है। ये उधर को जा रहा है अभी ना, कहाँ जा रहा है? इंडिया जा रहा है। तो इंडिया से तो कोई चीज़ आता है कुर्बानी? ये फिर घूम के फिर हमारे तरफ। अच्छा, फिर इंडिया जाके फिर घूम के फिर वापस ये हमारी तरफ आता है। ठीक ठीक, हाँ सही सही सही, कारगिल की तरफ से। अच्छा अच्छा। मैदान के ये फूल है, यहाँ पर हर कलर का फूल होता है, येलो, ब्लू, स्काई कलर, ये मैरून, वाइट और मरजेंटा कलर, ये सारे कलर होते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से इनका रंग मांग पड़ता जा रहा है। घास भी येलो हो गई है और ये सारा मैदान आपको येलो दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, आपको ये मैदान कैसा लगा? कैसा बेहतरीन है, वेरी गुड। मैं एक दो फूल और ले लूँ। विवर्त, आप लेंगे फूल देवसाई की मैदान के खूबसूरत फूल? ये सामने आपको एक टेंट से लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ वालों का मतलब रिहायश है। यहाँ पर उनके बंदे भी ठहरे हुए होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग शिकार करना भी शुरू कर देते हैं तो यहाँ शिकार करना मना है। देवसाई का पूरा मंजर,
हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये है जी बड़ा पानी, दियोसाई की दूसरा खूबसूरत पॉइंट शतून नाले के बाद दूसरा खूबसूरत पॉइंट जो सामने खेमे नज़र आ रहे हैं, ये आपको रहने के लिए भी मिल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको चाय पानी और खाने के लिए चावल वगैरह मिल सकते हैं। लोग यहाँ स्टे करते हैं, वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पे, सुंदर वॉशरूम की दी गई है, इस साइड पे भी है और वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो बादल हुए हुए हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है, रिवर्स मौसम ठंडा है, कुछ लोगों ने तो जैकेटें जर्सियाँ पहनी हुई हैं और कुछ बिल्कुल सादा है। व्यूअर्स ज़रा गौर से देखें, इस पानी के नीचे आपको पत्थर क्लियर नज़र आएंगे। ये देखने में पानी स्याही माइल दिखाई देता है, लेकिन ये पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये सामने ये तारों का, मोटी तारों का एक पुल बना हुआ है। पहले इसी को इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद ये बनाया गया जिसमें आपको लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर कराची से आना है तो आप सीधे पिंडी आइए, ठीक है। अगर आपको पंजाब से आना है तो भी आप सीधे पिंडी आइए, चाहे ट्रेन से आइए चाहे बस से आइए। आप पिंडी आकर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए किसी होटल में, उसके बाद आप अपने लिए चाहे तो इस्लामाबाद जाकर जहाज़ की सीट बुक करवाएं अपनी जेब को देख के, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आपको गाड़ी का किराया भी देना है, आपको खाना पीना भी होटल के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, ठीक है ना जी। तो आप यूँ करें, अगर आपको जहाज़ से आना है तो आप डायरेक्ट जहाज़ के ज़रिए अस्कद्दू पहुँच जाएं। अगर आपको बाय बस आना है तो आप बाय बस सीधा आप अस्कद्दू भी आ सकते हैं, आप गिलगत भी जा सकते हैं। गिलगत पहुँच के आप वहाँ से 6 घंटे का रास्ता दोबारा किसी गाड़ी के ज़रिए अस्कद्दू तक कर सकते हैं। आप गिलगत में ठहर के हुंजा वैली, होपर ग्लेशियर और क्या कहते हैं राका पोशी, खंजराब, चाइना बॉर्डर जिसको कहते हैं, और बहुत सारी जगहें आप देख सकते हैं। आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ से छोटी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, हाई रूफ वगैरह वो मिल जाती हैं, इससे बड़ी भी मिल जाती हैं। आप उनको लेके तो आप उसके ज़रिए किराए की सवारियों के साथ भी आ सकते हैं, स्पेशल गाड़ी भी करवा सकते हैं, आप सीधा अस्कद्दू आ जाइए, ठीक है। ये 6 घंटे का, 6.5 घंटे 5 घंटे का रास्ता, इससे भी कम हो सकता है, ये गाड़ी पर डिपेंड करता है। तो फिर भी व्यूअर्स आप ऐसा कीजिए कि अस्कद्दू पहुँच के आप अस्कद्दू के, अगर तो आप बाज़ार में ठहरना चाहते हैं तो आप अस्कद्दू के मेन बाज़ार में आ जाएं, ठीक है। जो उसका मेन बाज़ार है उसको कहते हैं यादगार चौक। यहाँ पर आपको बहुत सारे अपनी आप अपनी जेब के मुताबिक आप होटल जो है किराए पर एक कमरा ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पर ठहरी हुई हूँ इंडस होटल पर, ये भी यादगार रोड पे वाक़ है। मैं इसका इंट्रोडक्शन भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त होटल है, यहाँ के लोग भी बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और होटल्स के जैसा होटल्स है, घर की तरह का होटल नहीं। अगर आप कहीं बाज़ार नहीं जाना चाहते, शॉपिंग करना नहीं चाहते, घूमना फिरना नहीं चाहते, यानी बाज़ार आप से बाज़ार से आपको कोई काम नहीं, तो फिर आप शिंगरीला वैली है या आप अपर कचोरा है, इस साइड पे भी आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, लेकिन वो बड़े महंगे होटल हैं और वहाँ से फिर आपको जो चीज़ चाहिए वही लोग ला के देंगे, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। खाने के अलावा अगर आपको बाज़ार आना है, गाड़ी उनकी लेनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी होटल वालों की, आपको खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप शंगरीला साइड पे रहना चाहते हैं या आप बाजार की साइड पे रहना चाहते हैं, ठीक है ना जी। तो फिर आप स्कर्दू में किसी होटल में ठहर जाएं। मैंने इंडस होटल वालों की गाड़ी को हायर किया है, उन्हीं का ड्राइवर है, उन्हीं की गाड़ी है। इनकी दो तीन गाड़ियां हैं, शायद ज़्यादा भी हों। तो ऐसी गाड़ी जो है आपको फिलहाल इस वक्त इस साल 14,000 में भी मिल सकती है शिवसर लेक तक। अगर आप अगले दो सालों के बाद आते हैं तो पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, किराया बढ़ सकता है, ठीक है ना जी। जब मैं 2018 में आई थी तो मैंने यही विजिट सिर्फ 7,000 में किया था। तो अभी मैं 2021 में आई हूँ तो ये विजिट मैं 12,000 में कर रही हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी एसी नहीं है, है तो ये कौन सी प्राडो, ठीक है ना जी। तो आप फिर अपनी जेब के मुताबिक गाड़ी का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो ये मेरा बेहतरीन मशवरा है कि अगर आप गाड़ी अपनी गाड़ी से ही बाई रोड आ रहे हैं तो आप यहाँ जो आपने विजिट करने हैं यहाँ की गाड़ी हायर करें। यहाँ का ड्राइवर होगा वो बहुत अपने फन में मुश्ताक होते हैं, बहुत मंजे हुए ड्राइवर होते हैं, तो वही आपको हर जगह पे सरोतफरी करवा देंगे। आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आपके लिए बेहतरीन मशवरा। अगर आप बाई रोड आएँ तो बाई रोड आप रास्ते के मनाजर और बेहतरीन मंजरकशी कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए, और अपने जहन में भी बेहतरीन नज़ारों को नक्श कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं आगे काला पानी पर, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये व्यूअर्स शशवा टॉप है, शमस की टॉप है, यानी जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको ये टॉप के नाम से याद करते हैं और इसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, ठीक है। ये शमस टॉप है, पीछे हमने एक में साथ पारा टॉप छोड़ा ना, और अभी फिर आगे कौन सा टॉप आएगा जी, छछोर पता था जब उधर से मंदिर आते हैं, ठीक। एक टॉप वो भी है जो शिवसर लेक से के बाद आता है, अगर मस्तौर से आए तो वो पहले आता है, अगर इधर से जाए तो शिवसर झील के बाद आते हैं। तीन टॉप आते हैं इस व्यवसाय के रास्ते में व्यूअर्स। हमने जो अभी हम दूसरा टॉप कर चुके हैं, हमारे चिप्स के पैकेट जो है ना पटाखे के साथ फट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप भी अगर कभी इधर आएँ तो आप अपने साथ चिप्स के पैकेट ज़रूर रखिए और फिर रास्ते में आजमाइए कि ये कैसे फटक फटक कर फट जाते हैं, बाकायदा आवाज़ आती है इसके फटने की, तो मज़ा आता है। व्यूअर्स, आप नज़ारा करें यहाँ से काला पानी का। ये है जी काला पानी का मैदान, और इस मैदान से गुजरता हुआ काला पानी सांप की तरह बल खाता हुआ, और ये हम जा रहे हैं अब नीचे की तरफ क्योंकि काला पानी हमें नीचे मिलेगा, और उसके बाद काला पानी को क्रॉस करेंगे और आगे चलेंगे। टेंट लगे हुए हैं, निकलते हैं यहाँ, नहीं ठहरना। ये लिखा है बोर्ड पे काला पानी मगर मिट चुका है। देखिए व्यूअर्स, ये है काला पानी का पुल, हम काले पानी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं। ये आपको काला पानी नजर आ रहा है, काला नहीं है मगर पत्थर नीचे काले हैं इसलिए ये पानी काला दिखाई देता है।
व्यूअर्स अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। इस मैदान में दियोसाई मैदान में आपको बहुत से मार मोट नजर आएंगे। ये जो मैदान का कलर है ना, इसी तरह का इनका कलर है, ब्लैक और ये येलोश। और ये चूहे से बड़े होते हैं, कराची के जो चूहे हैं ना बड़े बड़े, उनसे थोड़े और बड़े होते हैं। और इनकी बड़ी बड़ी इन्होंने बिल बनाए होते हैं, बड़े बड़े इनके बिल हैं, दूर से दूर दूर तक। खरगोश से भी ज्यादा, खरगोश बनाते हैं ना बड़े बड़े बिल, दूर दूर तक, इधर से बनाया उधर तक। ये भी इसी तरह बड़े बड़े बिल बनाते हैं, इधर से एक सुराख से जाएंगे, दूसरे में से जाकर निकलेंगे दूसरी साइड पर। व्यूअर ये देखिए सामने नीला नीला बादल, नीला नीला आसमान सफेद बादलों के अंदर कितना अच्छा लग रहा है। छोटा सा टुकड़ा वाकई रूफ ऑफ वर्ल्ड है, बहुत बड़ा है। जब आप इस पर सफर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टोटल रास्ता कितने हैं वहाँ से सतपारा से लेकर निकल तक। ये कंडू से तकरीबन 85 किलोमीटर है। और कितने घंटे लग जाती है इसके? 4 घंटे जी, 4 से 6 भी लग सकते हैं। रास्ते में उतरते आते हैं, रुकते आते हैं, फोटोग्राफी करते हुए आते हैं। हाँ, अगर मुसलसल दौड़ते रहे तो ये 4 घंटे का रास्ता है। अगर आपने मुख्तलिफ पॉइंट पे रुकना है यूरिन के लिए, खाने पीने के लिए, चाय के लिए, फोटोग्राफी के लिए, तो फिर आपके 4 से 6 घंटे भी लग सकते हैं अस्कर्दू से शुसर लेक तक। ये दियोसाई नेशनल पार्क जो है ये वाकई रिवर्स रूफ ऑफ वर्ल्ड है। वो जा रहा है। यहाँ से दाएं साइड पे एक रास्ता निकलते हैं जो आगे मुर्तजा कैंप के ले जाता है, इस तरफ। हाँ जी, वो सामने है। और ये मुर्तजा कैंप छोटा जो साई में है, जो गुलजर घाट से शुरू हो के आगे इलाका गुलतरी तक है, और वो इससे चौड़ाई में कम है, लंबाई उसका ठीक ठाक है और इससे नीचे है, इसलिए वो थोड़ा गर्म है। वहाँ पर फूल सब्जा या आपको बड़ा जो ऊँचाई के नस्बत वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। उधर लोग जाते हैं पोलो खेलते हैं? नहीं, अच्छा, वो आर्मी का अंडर में आता। अच्छा, वो छोटा दियोसाई आर्मी के अंडर में आता है। ठीक ठीक, इसीलिए लोग उधर नहीं जाते हैं। जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए शुसर झील पर। ये देखिए लोगों के कैंप लगे हुए हैं बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो थोड़ी देर बाद हम झील तक पहुंचने वाले हैं। ये है जी व्यूअर्स शुसर लेक। मैं आपको पहले यहाँ खड़े होकर नज़ारा कराती हूँ कार पार्किंग के पास। ये है पहाड़, ये हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई कार पार्किंग, और गाड़ी को अंदर ले जाना मना है। अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये भी आपको दिखा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, बस वो सामने मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। यहाँ से आप झील देखिए, ये है शुसर झील। मैंने आपको बताया ये 85 किलोमीटर का रास्ता है अस्कर्दू से शुसर झील तक का। यहाँ पे जो लोग हैं कम हैं, वजह ये है कि मौसम तब्दील हो चुका है। यहाँ की घास येलो कलर की हो चुकी है, यहाँ के फूल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये फूलों की सरजमी है। Thank you.
पानियों से प्यार है,